हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की हिंदी की आकलन कार्य पत्रक नंबर 3 लेकर आई हूँ। बच्चों, ये 21 तारीख की वर्कशीट है आपकी। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि अपने देश पे आधारित है। अपने देश की संस्कृति, अपने देश की परंपरा, अपने देश के मौसम, यहाँ के लोग, यहाँ का काम काज, ठीक है, उस पर आधारित है। तो आप पढ़ोगे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको करवा देती हूँ। पहला प्रश्न है, डैश ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, तो इसका आंसर है बच्चों ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है, ऑप्शन नंबर ए सही है, गर्मी में। नंबर थ्री है, कौन से दो माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं, तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ और सावन। प्रश्न नंबर चार है, गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं, ऑप्शन ए गिर जमा आवट, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, आगमन शब्द का विलोम शब्द, बच्चों जो ये इसमें चार ऑप्शन दिए हैं ना, इसमें से सारे ही आप लगा सकते हो, कोई भी ऑप्शन। मैंने ऑप्शन बी लगाया है, आप चाहो तो ऑप्शन चेंज कर सकते हो। इसने क्वेश्चन में कुछ मतलब ऐसा वर्ड नहीं दिया जो एक परफेक्ट आंसर हो, ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर छः है बच्चों, हमारे देश का मौसम डैश भी से भरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, विभिन्नता से। प्रश्न नंबर सात है, लोगों ने अपने कामकाज और मौसम के मिजाज के हिसाब से बांटा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, साल को। प्रश्न नंबर आठ है, हमारे देश में कितने ऋतु हैं, तो आंसर है छः, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नौ है, चतुर्मास शब्द का अर्थ होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है दसवां, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, व्यापार पर। बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।